जैन साथियों, मैं अभिराज और अभी आप सब देखना प्रारंभ कर चुके हैं इस वक्त अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, मैं इस वक्त झंझारपुर लौखा रेलखंड के बीच आ चुका हूं, जो कि ये स्टेशन देख सकते हैं, जो कि झंझारपुर लौखा रेलखंड का बहुत ही चर्चित स्टेशन है, जो कि आप सब भी इसका नाम सुने होंगे। जो मैं इस वक्त चंदेश्वर स्थान स्टेशन पर हूँ, जो कि देख सकते हैं ये फिलहाल बनके जो है सो पूरा तरह से तैयार हैं। इसका अपडेट मैं आप सबको सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और उस कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखकर ज़रूर बताइएगा और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हैं, उस जगह का भी नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम भी लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए ऊपर चल के मैं आप सबको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ, जो कि देख सकते हैं ये फिलहाल अभी जो है सो चंदेश्वर स्थान बनके पूरी तरह से कंप्लीट है। हालांकि कुछ कामें अभी बाकी हैं, जो कि यहाँ पर नल जल का जो काम है, पेयजल का काम, वो फिलहाल अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, जिसको जो है सो देख सकते हैं। और ऊपर में ये जो सीढ़ी है चढ़ने का, ये सारा कंप्लीट कर दिया गया है। हालांकि पूरी तरह से उसके ऊपर से छत भी दे दिया गया है एल्वेस्टर का, और देख सकते हैं। और मैं आप सबको दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि अभी फ़िलहाल ये रूट चालू नहीं हुआ है और चालू होने ही वाला है, जो कि इसी महीना के लास्ट टू लास्ट जो है सो ये रूट भी चालू होगा। इस रूट में भी ट्रेन का परिचालन होने जा रहा है, तो जो है सो और ऊपर से देख सकते हैं किस प्रकार से व्यू देखने में लग रहा है, जो कि बहुत ही मस्त व्यू देखने में लग रहा है। और यहाँ पर अभी सप्लाई दे दिया गया है, हालांकि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो वर्क है वो चल ही रहा है और यहाँ पर सप्लाई भी अभी दिया गया है। हालांकि सप्लाई दिया गया है तो जो लाइटें हैं वहाँ ही सप्लाई हैं, जो कि सभी लाइटों में नहीं, जो रेड लाइटें होता है ट्रेन का जो सिग्नल होता है उसी में जो है सो अभी लाइट दिया गया है सप्लाई। हालांकि सभी तारों में जो है सो सप्लाई नहीं दिया गया है, तो अभी क्योंकि फ़िलहाल जो है सो काम चल ही रहे हैं इस पर, तो काम कंप्लीट होने के बाद और ट्रेन चालू जब हो जाएगा तभी जो है सो इसमें सप्लाई दिया जाएगा। जो कि किस प्रकार से देख सकते हैं तीन लाइनें बनाया गया है यहाँ पर क्रॉसिंग के लिए। हालांकि ये रूट सिंगल ही लाइने का है, हालांकि झंझारपुर लौखा रेलखंड जो है सो सिंगल लाइन वाला रूट है। और हालांकि मैं आप सबको बता दूं तो ये स्टेशनों पर जाकर जो है ही सो ये ट्रिपल लाइनें दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई मालगाड़ी ट्रेन या कोई भी अन्य ट्रेन आए तो ये साइड में जो है सो साइड से क्रॉसिंग ले सकते हैं, तो इसके लिए दिया जाता है। तो आप सबको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने इसका भी अपडेट दे दिया है। और इस प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार हैं और टिकट काउंटर कैसा बना है, वेटिंग हॉल कैसा बना है, वो भी अपडेट चैनल पर मैंने पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया है। तो नहीं देखे हैं तो आप सब चैनल में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए अपडेट में दोस्तों, नए जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।